आज हम लोग पार्टनरशिप के एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और चैप्टर को समझने का प्रयास करते हैं, उसका एप्लीकेशन भी देखते हैं। इसके पहले जो एपिसोड था, इसमें पार्टनरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज थोड़ा बहुत और बात करेंगे, लेकिन डिटेल देखने के लिए आप पिछले वाले एपिसोड को जरूर देख लीजिएगा। फिर भी एक बात तय है कि जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो अदर कंडीशन सेम हो तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिस इज द बेस लाइन फॉर दिस चैप्टर। कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंडीशन क्या है? ऑल द कंडीशंस, अदर कंडीशंस शुड बी द सेम। यहां पर और कंडीशंस क्या उठते हैं? तो साधारणतया टाइम उठता है, समय समान हो, समान समय के लिए बिजनेस किया जाए तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन यदि समय समान नहीं है तो समान बनाते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। ए बी एंड सी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ए एडवांसेस ₹1200 फॉर 4 months, बी ₹1400 फॉर 8 months एंड सी ₹1000 फॉर 10 months। दे गेन ₹585 ऑल टुगेदर। फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए बी सी तीनों मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। ए ₹1200 उधार देता है 4 महीने के लिए, बी ₹1400 8 महीने के लिए, सी ₹1000 10 महीने के लिए। अगर कुल मिलाकर उन्हें 585 रुपीज फायदा होता हो तो उसमें से प्रॉफिट में ए का शेयर बताएं। ए ने ₹1200 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, इसका मतलब 1200 इंटू 4 फॉर 1 month, कोई दिक्कत है? अगर 1200 रुपया करके 4 महीने के लिए जमा करे तो इन चारों 1200 को पकड़ के ले आइए 1 महीने के लिए, तो एक ही प्रॉफिट मिलेगा। 1200 फॉर 4 month, 1200 इंटू 4 फॉर 1 month। उसी तरह से बी ने 1400 जमा किया लेकिन 8 months, 1400 इंटू 8 फॉर 1 month एंड सी 1000 रुपीज फॉर 10 months, तो 1000 इंटू 10 फॉर 1 month। इसको हम लोग सॉल्व कर दें। क्या रेशियो आया? 12:28:25। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए बी सी एंड सम। हम लोग बोल सकते हैं ये है 12, ए का 12 तो बी 28 तो सी है 25, तो टोटल कितना हुआ है? 40 and 25 65। अगर 65 रुपीज प्रॉफिट होता तो ये मिलता 12:25:15। ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब 65 ना होकर यह कितना है? ₹585। देखिए सॉल्व ढंग से करना पड़ेगा, किसी को 65 का टेबल नहीं आता भाई, कैसे सॉल्व करें? याद रहे जब किसी नंबर के यूनिट प्लस पर होता है, स्पेशली जहां पर डिनोमिनेटर होता है, तो हम उसे डबल करते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर हम दोनों को डबल कर दें, 65 को डबल कर दें तो ये 130 हो जाए, और 585 को डबल कर दें अगर तो इतना हो जाए। देखिए कितना आसान हो गया, 30 means 117, दैट मीन्स 9 times। रेशियो सिस्टम में 1 को 9 रुपीज कहते हैं। हमसे क्या पूछा गया? शेयर ऑफ ए, तो ए को क्या कहेंगे? इनटू 9, 108 रुपीज आंसर, 108 रुपीज आंसर। अगर बी पूछा जाता तो हम उसे भी कहते हैं इनटू 9, सी पूछा जाता तो उसे भी कहते हैं इनटू 9, पर ये दोनों पूछा नहीं गया तो 108 आंसर। देखिए पार्टनरशिप ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, आईएएस तक के एग्जाम में आता है।
इसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लीजिए। इसके पिछले एपिसोड में एक्सप्लेन किया गया था, आज भी ये बात कहा गया है कि कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर टाइमिंग अलग अलग है तो उसे समान कह दीजिए। यानी कहने का मतलब कि समान समयांतरालों में व्यक्तियों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो भी होता है। इस एक लाइन को समझ लेने पर यह चैप्टर पूरी तरह साफ हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, सॉल्यूशन सही ढंग से करना पड़ेगा। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में नए क्वेश्चन और नए तरह से सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद। पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं लेकिन इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बहुत कुछ है। कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं वो देखना है, और सिंप्लीफिकेशन में भी सीखने के लिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन में ऐसा है कि आप बेसिक कैलकुलेशन चैप्टर के अंतर्गत कैलकुलेशन के तौर तरीके सीख लेते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन उस समय पूरा नहीं होता। ये धीरे धीरे चैप्टर दर चैप्टर आप इसको सीखते चलते हैं, इसलिए कैलकुलेशन इस चैप्टर में भी आप सीखेंगे। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, फिर मैं बात आता हूं उसके कॉन्सेप्ट पर कि ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 20 डेज 25 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। ये रेट दिया हुआ है कि किसी काम को वो ए बी सी कितने कितने दिनों में कर सकते हैं, अलग अलग रेट है काम करने का। दे अंडरटुक टू फिनिश द वर्क टुगेदर फॉर ₹2,220। कुल मिला के जो प्रोजेक्ट है काम का वो ₹2,220 का है। अब बताइए कि उसमें ए का शेयर बी से कितना ज्यादा है। जो शेयर मिलेगा उसमें ए का शेयर बी के शेयर से कितना ज्यादा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको यह बात समझ में आएगी। यह अंडरस्टूड है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं और एक साथ खत्म करते हैं, इस बात का बड़ा महत्व है। अदरवाइज आप मुझे यह बताइए कि एक बड़ा व्यक्ति किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करता है, तो एक बच्चा भले 100 दिन लगे, उसकी एफिशिएंसी कम है ना, 100 दिन लगे और वो काम कर दे तो काम तो दोनों ने बराबर किया ना, और मजदूरी या पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन काम के अनुसार होगा। बड़े को भी उतना ही मिलेगा जितना छोटे को, बच्चे को, क्योंकि काम तो दोनों ने समान किया है। यहां दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, तो तीनों जब अलग अलग समय में काम कर सकते हैं पर काम तो समान समय तक किए हैं, तो हमें तो ये देखना पड़ेगा कि उनकी इफिशियंसी क्या है, तभी तो हम बता सकेंगे कि समान समय में कितना काम करते हैं। अगर 1 घंटे में कोई डबल काम करता है तो 10 दिन में भी डबल ही काम करेगा, और दोनों समान समय तक काम करेंगे तो जो व्यक्ति डबल काम करेगा उसको डबल पैसा मिलेगा। तो हम चेक कर लेते हैं, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बोलेंगे 1 दिन कीजिए, 1/20th ऑफ वर्क होगा। बी को बोलेंगे आप तो 25 डेज में कर सकते हैं, आप 1 दिन कीजिए, 1/25th वर्क होगा। सी 30 डेज में कर सकता है, बोलते 1 दिन कीजिए, 1/30th ऑफ वर्क होगा। और यही वर्क हुए वर्क वर्क 1/20, 1/25 एंड 1/30। इसी वर्क के रेशियो में उन्हें मजदूरी मिलेगी। अब ये नंबर सीधे नहीं है, 1/20, 1/25, 1/30 दे मस्ट बी होल नंबर। इसलिए हम एलसीएम्स ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 20 का, 25 का और 30 का, और उसे सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर में ये 1 हो जाए, 20 न रह जाए, 25 न रह जाए, 30 न रह जाए, और उसके बाद सिंपल रेशियो का सवाल आता है जो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ए का वर्क कितना होगा अगर हम 1 दिन में बात करेंगे, क्योंकि 20 दिन में काम कर सकता है, तो 1 दिन में 1/20, बी का 1/25, सी का 1/30। तो इसको थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं 5 से, 4:5:6, मतलब 1/4, 1/5, 1/6,
ये रेशियो फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा, होल नंबर होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, 5 and 6। अगर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ऑफ 4, 5 and 6 तो वो आएगा 60। इस 60 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि 4 से ये कट जाए, 5 से भी ये कट जाए और 6 से भी ये कट जाए और इस तरह से नीचे कुछ न बचे 1। तो रेशियो क्या क्या हो जाएगा, 15:12:10। ए को यदि 15 रुपीज मिलेगा तो बी को 12 मिलेगा तो सी को 10 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, एक जो दिया है दूसरा जो निकालना है। निकालना क्या है, ए एक्सीड्स दैट ऑफ बी बाय हाउ मच, तो ए 15 बी 12 तो एक्सीड्स बाय 3। और दिया हुआ क्या, टोटल, टोटल तो टोटल है 2,220 रुपीज। टोटल कितना हुआ, तीनों को ऐड कीजिए तो 37 इज गिवन एज रुपीज 2,220 मीन्स व्हाट। देखिए ऐसा है, इसको सॉल्व ढंग से करना पड़ेगा, 37 का टेबल तो आता नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे आप, ऐसे पढ़ेंगे 37 इज प्राइम, 37 इज प्राइम, अगर ये प्राइम नंबर है तो ये अवश्य काटेगा और बड़ा प्राइम नंबर 2, 3, 5 को छोड़ करके कोई प्राइम नंबर तो अवश्य काटेगा, काटेगा तो हम लोग ये 0 छोड़ दीजिए, 222 को काटते हैं, उसमें भी इस यूनिट प्लेस को पढ़ते हैं और 7 का टेबल पढ़िए, 7, 1 जा 2 जा 3 जा पढ़ते जाइए 7, 6 जा 42, ये 2 कब आता है, ये वाला 2, ये नहीं, ये 2, 7, 7, 7, 6 जा 42, 6 टाइम्स ये कटा, ये 0 है तो 60 टाइम्स। ये हुई एक बात। दूसरी बात, जैसे आप 100 को 25 से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हाउ मेनी 25s आर देयर इन 100, 4, इसलिए 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और फेमस रिजल्ट है कि 37 × 3 111 होता है। 111 बड़ा सुंदर नंबर है, 1 से बनते हैं 3 × 1, तो यानी 111 में 3 × 37 है, तो 222 में 6 × 9 हुआ, 6 बार में कटा, ये 0 है तो 60। 1 means 60, 3 means what? 180 रुपीज, आंसर। बोली धीरे धीरे पार्टनरशिप चैप्टर आपको समझ में आ रहा है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप का एक और क्वेश्चन ठीक उसी तरह से, जिसमें अलग अलग समयांतराल होते हैं और आपको समान समयांतराल में यानी टाइम पीरियड में कैपिटल को चेंज करना पड़ता है। क्वेश्चन देखने में कितना भी हार्ड लगे, आपको हमेशा ध्यान देना है कि उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इफ अदर फैक्टर्स आर द सेम, मींस इंटरवल ऑफ टाइम शुड बी द सेम, यानी समयांतरालों को समान बनाते हैं। अब पहले देख लीजिए, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। विमला एंड सुरजीत स्टार्टेड अ शॉप ज्वाइंटली बाय इन्वेस्टिंग ₹9,000 एंड ₹10,500 रेस्पेक्टिवली। ये विमला और सुरजीत हैं, इन्होंने एक शॉप शुरू किया एक साथ, एक ने ₹9,000 लगाया, दूसरे ने ₹10,500 लगाया और एक शॉप यानी ए टाइप ऑफ बिजनेस स्टार्ट हुआ। आफ्टर फोर मंथ जया ज्वाइंट देम बाय इन्वेस्टिंग ₹12,500 while Surjit withdrew ₹2,000. At the end of the year, there is a profit of ₹4,770. Find the share of Jaya. Jaya ka share nikalna hai. Aap dekhiye, changing point kya hai? 4 months na? Maine map bhi banaya hai aur solve bhi kiya hai. Dono hi cheezein dekh lijiye aur solve karne ka tarika bhi dekhiye. क्योंकि सही तरीके से सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपको वो परिणाम नहीं मिलेंगे जो कि एक ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम में अपेक्षित है, डिजायरेबल है। देखिए मैप क्या है, विमला ने 9,000 से मैप आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यदि आपने पार्टनरशिप नहीं भी पढ़ा है। देखिए विमला ने 9,000 और सुरजीत ने 10,500 के साथ बिजनेस शुरू किया, यहां से स्टार्ट हुआ,
चार महीने गुजरे तो जया आई 12,500 के साथ, लेकिन सुरजीत ने 2,000 रुपए निकाल लिया। इसका मतलब 10,500 तो 4 मंथ्स तक ही रहा ना, और 2,000 निकाल देने से 8,500 रुपीज आगे के लिए रह गया चार महीने के बाद। विमला ने तो कोई चेंज नहीं किया, तो उनका वो 9,000 चलता रहा। जया भी चार महीने के बाद आई 12,500 के साथ, उन्होंने भी आगे कोई चेंज नहीं किया, चलता रहा। After 1 year there is some profit, यानी 12 महीने गुजरे। मैप क्या है? मैप विमला का 9,000 रुपीज 12 मंथ्स के लिए है, सुरजीत का 10,500 4 मंथ्स के लिए है, और 8,500 नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए है। जया का 12,500 रुपीज 8 मंथ्स के लिए है। जब कई मंथ्स होते हैं तो हम उनको 1 मंथ में कन्वर्ट करते हैं, कई ईयर होते हैं तो हम लोग 1 ईयर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? एक बात और है, 1100 ETC, ये लिखने में देखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, कैंसिल करने में सॉल्व करने में दिक्कत होगी। हम नोट्स को 1100 ETC बनाते हैं, यहां पर सब 1000 में नहीं है, हंड्रेड्स में तो पक्का है, हम हंड्रेड्स बनाते हैं, इससे सॉल्व करना आसान हो जाता है। कहने का मतलब विमला ने 9,000 रुपीज लगाया, बोलते नहीं नहीं 1900 लगाया। अरे 100 वाला नोट है ना, 90 लगाया, 90। अरे 100 वाला नोट आप 90 लगाएगा, 180 लगा देंगे तो क्या मुझे डबल नहीं मिलेगा? 100 वाला नोट अच्छा लग रहा है, 100 वाला नोट, 100 वाले नोट में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए सॉल्व करना कितना अच्छा आसान हो जाएगा। हाँ, तो 90 का नोट लगाया 12 महीने के लिए, तो 19 × 12 फॉर 1 मंथ। अगर वही प्रॉफिट चाहिए एक महीने में जो 12 महीने में मिलता था, तो ये 12×90 बटोर के एक ही महीने में डाल दीजिए, 12×90 12×90। सुरजीत इनका 10,500 को बोलते हैं 105 का नोट, 4 है तो एक महीने में इतना, और 20 निकल गया तो 85 वो 8 मंथ्स में है, तो 85 × 8 फॉर 1 मंथ, यानी कुल मिलाकर के इतना पैसा 1 मंथ के लिए रहा। और जो जया है वो 12,500 है, यानी हंड्रेड में 125 × 100 है, 125 × 100 है, 8 महीने के लिए है, 125 × 8 एक महीने के लिए, एक महीने में उनके कैपिटल्स इस तरह से हैं। लेकिन ये डाटा आपको आसान नहीं लग रहा होगा, देखिए देखिए देखिए, जब हम लोग रेशियो लेते हैं तो हम मल्टीप्लाई करना नहीं चाहते। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एक बेकार सा नंबर आ जाएगा और फिर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, फैक्टराइज करना चाहते हैं। कैसे? देखिए 85 × 8 है ना, 85 × 8 इसको लिख सकते हैं 170 × 4 170 × 4 रुपए का नोट, 105 × 4 रुपए का नोट, जोड़ दिया तो 275 × 4 रुपए का नोट। अगर मैथमेटिकली आपको समझ में नहीं आता तो देखिए 8 को लिख दीजिए 2 × 4, और 2 × 85 क्या हो जाएगा 170 × 4 105 × 4 कंबाइनिंग टुगेदर बिकम्स 275 × 4। इसके बाद 125 × 8 दिस इज फॉर 1 मंथ। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं तो देखिए 4 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जा हुआ और ये 2 जा हुआ, और 5 से कैंसिल करते हैं तो 55 टाइम्स 5 से 90 18 टाइम्स, देखिए 5 से कैंसिल करते हैं इसको तो 18 टाइम्स ये 55 टाइम और ये 25 टाइम, यानी कि जो रेशियो निकला वो 54:55:50 निकला। यही कैपिटल का रेशियो है एक महीने में, यही प्रॉफिट का रेशियो भी हुआ, यानी समयांतराल कुछ भी हो प्रॉफिट का रेशियो यही होगा। तीनों का सम कितना हुआ 159, और सम मतलब प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट 4,770 है। अगर 159 को 4,770 बोले जीरो छोड़ दीजिए तो 159 का 3 टाइम्स है ना 4,770 यानी 30 टाइम्स, यानी रेशियो सिस्टम में 1 को 30 रुपीज बोलते हैं, 1 जिसमें कि ये 50 है, 1 जिसमें कि ये 55 है, 1 जिसमें कि ये 54 है, 1 मीन्स 30 रुपीज, 50 means 50 × 30, 55 means 55 × 30, 54 means 54 × 30, लेकिन हमें चाहिए क्या? जया का शेयर, जया means 50, 50 means 1 means 30 रुपीज, तो 50 means 1500 रुपीज, 1500 रुपीज आंसर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपको समझ में आया? फिर
हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। पार्टनरशिप का अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हम लोगों ने जब ये चैप्टर शुरू किया था उस समय ही इस पर बात की थी कि इस चैप्टर का जो मूल मंत्र है, प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इफ अदर कंडीशंस आर द सेम, दिस इज अंडरस्टूड कॉन्स्टेंट। इन्वेस्टमेंट, निवेश के अनुपात में लाभ का वितरण होता है यदि अन्य स्थितियां समान रहे। अन्य स्थितियां, इसका आशय हमारे इस चैप्टर में समयांतराल से है। कहने का मतलब कि समान समयांतराल तक जिस व्यक्ति की जितनी पूंजी होगी उसी के अनुपात में लाभ का वितरण होगा, उन्हें लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर समय समान ना हो तो समय को समान बनाना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन? जैसे अगर ए बी दो व्यक्ति अलग अलग समय के लिए निवेश करते हों, मान लीजिए ए निवेश करे 3 महीने के लिए, बी इन्वेस्ट करे, निवेश करे 4 महीने के लिए, तो ए अगर 1,000 रुपया निवेश करता है 3 महीनों के लिए और बी 2,000 रुपया निवेश करता है 4 महीनों के लिए, तो समय तो सेम नहीं है ना, समय को समान बनाना पड़ेगा। तो ए अगर 3,000 इन्वेस्ट करता है, 1,000 इन्वेस्ट करता है 3 मंथ्स के लिए, तो इसका मतलब हुआ 3,000 फॉर 1 मंथ। अगर वही लाभ लेना है तो क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तो आप सोचिए, 1,000 आप 3 मंथ डिपॉजिट करेंगे और आपको जो प्रॉफिट चाहिए, आप एक ही महीने में वही प्रॉफिट लेना चाहेंगे तो ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा कि नहीं? तो 3 महीने का हर महीने का 1,000 बटोर के 3,000 को एक ही महीने में डाल दीजिए, वही देगा। मेरे कहने का मतलब है 1,000 फॉर 3 मंथ्स मीन्स 3,000 फॉर 1 मंथ, और बी का 2,000 फॉर 4 मंथ्स मीन्स 8,000 फॉर 1 मंथ। अब समय समान है, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात भी होगा। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी रहती है। आइए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं फिर बात करूंगा। मिस्टर शिव कुमार स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹25,000 इन 1996। In 1997, he invested an additional amount of ₹10,000. And Mr. Rakesh joined him with an amount of ₹35,000. In 1998, Mr. Shiv Kumar invested another additional amount of ₹10,000. And Mr. Suresh joined them with an amount of ₹35,000. What will be Rakesh's share in the profit of ₹1,50,000 earned at the end of 3 years from the start of the business in 1996? 96 में जो शुरू हुआ था उसके मुताबिक। देखिए, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग पैसा अलग अलग समय के लिए है, उन पैसों को समान समयांतराल में लाना होगा, तो समान समयांतराल में लाते हैं कुछ इस तरह। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि मिस्टर शिव कुमार ने 1996 में एक बिजनेस शुरू किया 25,000 रुपीज के साथ। जब 1 ईयर हुआ यानी 1997, तो शिव कुमार कुछ और करते हैं, 10,000 और निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब 25,000 1 ईयर के लिए रहा कि नहीं? तो 25 into 1 फॉर 1 ईयर। उसके बाद 1 ईयर के बाद वो 10,000 और डाल देते हैं, दैट मीन्स नाउ हिज इन्वेस्टमेंट बिकम्स 35,000, दैट कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट। एंड मिस्टर राकेश ज्वाइंट, एंड मिस्टर राकेश ज्वाइंट, इस पिक्चर में आपको ठीक से समझ में आएगा। शिव कुमार 25,000 के साथ शुरू करते हैं, 1 ईयर गुजरता है, वो 10,000 और डाल देते हैं और मिस्टर राकेश 1997 में शुरू हो जाते हैं 35,000 के साथ। 1 ईयर गुजरता है तो 35,000 1 ईयर तक और रहता है,
Mr. Shiv Kumar 10,000 more invest karte hain, that becomes 45,000. And Mr. Suresh joined in 1998 with rupees 35,000. After the completion of 3 years, yani 1 year yahan se aur gujra, and business is completed, there is some profit, kuch fayda hota hai. 1.5 lakh rupees ka fayda hota hai. Is 1.5 lakh rupees, 1,50,000 ka distribution kaise hoga? Aap dekhiye, Shiv Kumar ke liye 25,000 for 1 year, 35,000 for 1 year, 45,000 for 1 year. 1,000 को हम लोग 1,000 का नोट समझ लेते हैं, 25,000 का नोट एक साल के लिए, 35,000 का नोट एक साल के लिए, 45,000 का नोट एक साल के लिए. राकेश का 35,000 फॉर 2 years, 35,000 के नोट 2 years के लिए, दैट मीन्स 35 × 2 फॉर 1 year एंड 35,000 फॉर 1 year. तो आपने समझ, आप समझ गए कि इनका रेशियो ये होगा. यही 1 year में, यानी समान समय अंतराल में उनके कैपिटल का रेशियो है, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो भी होगा. लेकिन इसको आगे सॉल्व कैसे करें? सॉल्व इन जनरल लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1,000 लिखने लगते हैं. अब बताइए 25,000 3×0 देते हैं इंटू 1, 35,000, तो ये कितना लंबा चौड़ा हो जाता. इसलिए नोट्स बोल देते हैं, 1,000 के नोट्स. तो आसान लगा ना. फिर यहां पर सिंप्लीफिकेशन का सवाल उठता है, तो प्राय क्या करते हैं, सबको सॉल्व कर देते हैं, 25, 35, 45 ऐड कर देते हैं. नो, बिल्कुल नहीं. रेशियो में टर्म्स को कैंसिल करना होता है, इसलिए टर्म्स फैक्टराइज होने चाहिए जहां तक संभव हो. आप कुछ ऐसा सोचिए कि यहां का 10 उठा के यहां दे दें तो 35, 35, 35 हो जाएगा कि नहीं, यानी ये 3 × 35 हो जाएगा कि नहीं, ये 2 × 35 है कि नहीं, ये 1 × 35 है कि नहीं, 3:2, 2:1 है कि नहीं. यानी कि अगर शिव कुमार को 3 रुपया मिलेगा तो राकेश को 2 रुपया मिलेगा, तो सुरेश को 1 रुपया मिलेगा, तो टोटल 6 होगा कि नहीं. और टोटल कितना है, 1.5 लाख. 1.5 लाख नहीं बोलते, 1,50,000 वो भी नहीं बोलते. कौन इतना 0-0 लिखे, 150,000 बोलते हैं. ऐसे बोलते हैं, 150,000 वर्ड में बोलते हैं. बताइए अच्छा लग रहा कि नहीं, 150 जैसा नजर आ रहा है. कितना गुना है, 25 गुना है, यानी 6 मीन्स 150,000, तो 1 मीन्स 25,000. अब आप बताइए कि मिस्टर राकेश को क्या मिलेगा, 2 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स व्हाट, इनटू 25, दैट मीन्स 50,000. 50,000 आंसर. अगर 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 होता कि शिव कुमार को क्या मिलेगा तो इनटू 25, यानी 75,000. अगर होता कि मिस्टर सुरेश को क्या मिलेगा तो 1 मीन्स 25,000. आपने देखा कि क्वेश्चन सिर्फ समझने से ही नहीं होगा, सही ढंग से बनाना भी पड़ेगा और उसको सही ढंग से सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए. ठीक है.